जय मसीह के दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है याकूब की पत्री उसका चौथा अध्याय और उसका 17वां वचन। वचन कहता है, इसलिए जो कोई उचित काम करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। धन्यवाद। यहां पर इस वचन में दो शिक्षाएं हमें परमेश्वर की ओर से मिलती हैं। वो शिक्षा क्या है? अगर कोई बच्चा जो नासमझ है, जिसको ज्ञान नहीं है, और अगर वो कोई गलत काम कर बैठता है या पाप कर बैठता है, उसके लिए माफी है। लेकिन जिसको ज्ञान है और वो जानता है कि कैसा, कौन सा पाप है, क्या पाप है, क्या पाप हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद भी अगर वो पाप करता है जानबूझ कर, तो ये पाप है। और जितना ज्यादा ज्ञान उस भाई उस बहन के अंदर है और अगर वो पाप करता है, तो उतनी बड़ी सजा उसको मिलती है। हालेलुया। लेकिन देखिए दोस्तों, हमें परमेश्वर का ज्ञान मिला है, हमें परमेश्वर ने बताया है कि हमें क्या करना है। मिस्र से जब इज़राइलीज आए थे, तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बताया था कि तुम्हें मिस्र से निकलने के बाद मेरी उपासना करनी है, मेरी मुझे नमन करना है, क्योंकि तुम मुझे उपासना करना भूल गए हो, तुम आराधना करना भूल गए हो। लेकिन मिस्री उपासना नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने कभी की नहीं थी, उन्होंने देखा नहीं था। इसलिए परमेश्वर मूसा के द्वारा, मूसा ने मूसा को बताया कि मैं इनके बीच में, अपने प्रजा के बीच में मैं रहना चाहता हूं। और उसने मूसा से कहा, तंबू बांध ताकि मैं मान होऊंगा। और वो सारे इज़राइलियों के सामने बादल के नाई उतरता था और मूसा से बात करता था और सब लोग देखते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आराधना नहीं की। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छाओं पे चले, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उसके अनुग्रह के मुताबिक, उसके वचनों के मुताबिक काम करें। देखिए, पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, और जब यीशु मसीह के मरने के बाद वो तिब्रियास झील में मछली पकड़ने के लिए गया, कौन गया वहां पर? यीशु मसीह। क्यों गए यीशु मसीह? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वो जानता है कि उसे क्या करना है, लेकिन उसका मन कठोर हो गया है। पतरस की कठोरता को दूर करने के लिए यीशु मसीह वहां पर गए और उन्होंने पतरस से कहा, यूहन्ना 21:15-21 के बीच में, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? इन सबसे ज्यादा क्या तुम मुझसे प्यार करता है? और पतरस ने कहा, हाँ, मैं तुझे प्यार करता हूं। यीशु मसीह ने पतरस को बताया कि तुझे क्या करना है। मेरे बच्चे, तुझे मैंने किसके लिए चुना है, तेरा चुनाव किसके लिए हुआ है? तुझे वो काम करना है जो भला है और जिसके लिए तुझे चुना गया है। अगर मान लीजिए पतरस की कठोरता को यीशु मसीह नहीं आपका दूर करते, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे वो कठोर हो गया है, उसके अंदर कठोरता आ गई है और शैतान काम कर रहा है, अगर यीशु मसीह उसकी कठोरता को दूर नहीं करते तो पाप करते। थॉमा, जिसमें कठोरता आ गई थी, जिसको लोगों ने बताया, उसके उसके चेलों ने, उसके साथियों ने बताया कि यीशु मसीह मर के जिंदा हो गए और हमारी कोठरी में भी आए थे, लेकिन थॉमा के मन में कठोरता आ गई। उसने कहा, नहीं, मैं जब तक यीशु मसीह के हाथों में अपनी उंगलियां ना डाल लूं, उसके अस्थि में अपने हाथ ना डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये क्या था? उसकी कठोरता। क्या वो यीशु मसीह को जानता नहीं था? क्या उसने यीशु मसीह को मुर्दों को जिंदा करते हुए नहीं देखा था? क्या आपका थॉमा ने यीशु मसीह को पानी में चलते हुए नहीं देखा था? देखा था, वो जानता था कि वो कौन है, वो जानता था कि परमेश्वर का पुत्र है, वो जानता था, लेकिन कठोरता उसके मन में आ गई थी और यीशु मसीह जानते थे कि उसका मन कठोर हो गया है। और उस समय तक यीशु मसीह को धरती और स्वर्ग का अधिकार मिल चुका था। क्या यीशु मसीह उन सारे चेलों के साथ उस थॉमा को अपने पास नहीं बुला सकते थे? बुला सकते थे, लेकिन नहीं। यीशु मसीह खुद गए थॉमा के पास और खुद उसे जाकर कहा कि देख मेरे हाथ और अपनी उंगली डाल, देख मेरी पसलियां, उस पर अपना हाथ डाल और अपने मन में विश्वास पैदा कर। दोस्तों, यीशु मसीह जानते थे ये भलाई का काम, यीशु मसीह जानते थे कि वो मेरा चेला है, मुझे उसकी कठोरता को दूर करना है, क्योंकि थॉमा के द्वारा इतिहास बनेगा। थॉमा हिंदुस्तान में आया और उसने सेविकाई की और उसने वचन बांटे और आज हम सब उस वचन को जानते हैं। मेरे भाई, यीशु मसीह उस भलाई का काम जानते थे और यीशु मसीह ने वो भलाई का काम किया और थॉमा की कठोरता दूर हुई। वही थॉमा पहला चेला बना जिसने यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में जाना। दोस्तों, अगर हम भलाई काम करना जानते हैं, अगर हम जानते हैं कि हमें दीनता रखनी है, अगर हम जानते हैं कि हमें नम्रता होनी चाहिए, अगर हम जानते हैं कि हमें धीरज होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है धीरज रखो और धीरज को अपना काम करने दो। हालेलुया। याकूब 1:2-3-4 में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि धीरज को अपना काम करने दो ताकि तुम स्थिर हो जाओ, ताकि तुम सिद्ध हो जाओ।
परमेश्वर चाहता है। और अगर आप जानते हैं कि आप में धीरज होना जरूरी है और आप धीरज नहीं रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि क्रोध करना पाप है और आप क्रोध करते हैं तो पाप है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हमें परमेश्वर के वचन को समझना है, जानना है और उसके मुताबिक चलना है। अगर हम नहीं चलेंगे तो पाप करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। देखने और सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष, सुख और चंगाई मांगता हूँ। बुद्धि खुल ताकि हम हमसे कोई गलत काम ना हो, जो तू चाहता है वो हमारे जीवन में घटे। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमेन।